नमस्कार भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहले वो चीज़ क्या देखते हैं? रेज्यूमे? नहीं। आपकी यूनिफॉर्म? नहीं। आपके जूते? नहीं। आपका टाइमिंग? नहीं। वो देखते हैं आपका एटीट्यूड, कि एटीट्यूड और वाइब। एटीट्यूड वो चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। जैसे मान लो अगर आप शादी में गए, तो शादी में क्या है, ये आपके जो बैचमेट हैं वो आ गए जीन्स जीन्स और शर्ट पे, और आप बिल्कुल टिच शर्ट टाई कोट, मतलब टू पीस सूट में, तो वो आपका एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड को फंक्शनली चेंज करना पड़ता है, और वो आपके ऊपर है कि कैसे आप सामने वाले को दिखाते हो और दिखाओगे और दिखाते रहोगे। तो ये है एटीट्यूड जो आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है, वैसे भी पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मान लो आप लॉस में चल रहे हो और जो आपका जो बॉस है वो आपसे दिन रात भड़क रहा है, भड़क रहा है एज इन कि आप जो डेडलाइन है वो 24 घंटे की है, लेकिन आप उसे रेडी करने में तैयार नहीं हो। लेकिन लेकिन दूसरों को देख के आपके अंदर जो गुरूर है, जो घमंड है, वो राइज हो गया है, और राइज होने के बाद जो एटीट्यूड आया है, तो जो लगन जो आएगी उस एटीट्यूड के बाद, वो आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाएगी, और यहाँ से आपको आपका प्रमोशन हो सकता है, आप बॉस बन सकते हो, आप MD बन सकते हो, आपके पास क्या क्या नहीं हो सकता। अगर आप सिंगल हो तो आपके पास गर्लफ्रेंड्स हो सकती है, अगर आपके पास घर नहीं है तो आपके पास ऐसे यूं 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 घर आ जाएगा, और अगर आप स्टूडेंट हो, एटीट्यूड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन स्कूल, बिकॉज स्कूल में बहुत कंपटीशन होता है, और अगर आप वीक हो, अगर आप पढ़ने लिखने में वीक हो, स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर, तो एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप फुटबॉलर हो, गोल कीपिंग अच्छी करते हो, लेकिन ओपनिंग टीम का जो फुटबॉलर है, जो गोल कीपर है, वो आपसे ज़्यादा अच्छा है, तो आपने रोके 1 गोल, उसने रोके 0 गोल, तो आपके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा कि देख रहा है मेरे अंदर एटीट्यूड है और तू 0। और उसी दौरान उसने भी आपका एक गोल रोका, तो उसके अंदर भी एटीट्यूड है। बेसिकली ये आपको ये वो है, तो बेसिकली यू आर इन द सेम, बट व्हेन यू लूज योर एटीट्यूड, यू आर नथिंग, यू आर 0, बेसिकली यू आर 0। व्हेन यू लूज योर एटीट्यूड, यू आर बिग 0। व्हेन यू गेन योर एटीट्यूड, यू आर अ हीरो लाइक रॉबर्ट डाउनी जूनियर, लाइक शाहरुख, या लाइक एनी अदर योर फेवरेट हीरो। यू कैन बी एनी थिंग विद योर एटीट्यूड, एनी थिंग। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एटीट्यूड कैन रेज यू, राइज यू, लो यू, हाई यू, एटीट्यूड कैन मोटिवेट यू, एनी थिंग एटीट्यूड कैन डू, बट इन वन कंडीशन, एटीट्यूड विल बी योर्स, नॉट अदर्स। एटीट्यूड आपको हार्म नहीं करनी चाहिए, आप पे हावी नहीं होनी चाहिए, आप पे जैसे को कहते हैं ना कि काबू नहीं करना चाहिए आप पे, ये नहीं करना चाहिए। एटीट्यूड आपको गिरा भी सकती है, आपको उठा भी सकती है, आपको नीचे भी ला सकती है, आपको ऊपर भी आ सकती है, आपके साथ जो भी कर सकती है, आपको 0 से एक हीरो बना सकती है, हीरो से मसीहा बना सकती है, कुछ भी कर सकती है एटीट्यूड। ये एटीट्यूड के ऊपर है, एटीट्यूड मतलब आप मतलब एटीट्यूड, एटीट्यूड इज बेसिकली द सेम, आप एटीट्यूड, एटीट्यूड आप, बेसिकली द सेम एटीट्यूड है तो आप हो, एटीट्यूड नहीं तो आप कुछ भी नहीं। अपनी गली बॉय देखी है? देखी होगी सबने। उसमें एक मेरे को रोल बड़ा अच्छा लगा था, सिद्धार्थ चतुर्वेदी का, जिसमें उसने रोल प्ले किया था MC शेर, और रणवीर सिंह ने रोल प्ले किया था मुराद,
मुराद एक ऐसा लड़का था कि जो कि ड्राइवरी छोड़ के रैपिंग वर्ल्ड में आ गया था, और रैपिंग वर्ल्ड में उसने जो तूफान मचाया था, जो फार मचाया था, वो था एटीट्यूड का नतीजा। उसके अंदर एटीट्यूड था, इसीलिए वो ज़ीरो से हीरो बना। और शेर के अंदर एटीट्यूड था कि वो मुराद को यकीन दिलाता था एज इन ब्रदर कि भाई तू कर सकता है और तू करेगा और तू हीरा है हीरा। और उसने करके दिखाया, मुराद ने एमसी शेर की बात मानी और करा वो। तो नेवर गिव अप अपॉन योर एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, इन यूनिवर्स एंड इन एवरीथिंग। फिर से समझा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप हो गया आपके बॉयफ्रेंड से और आपका एक दो साल का रिलेशन था, तो आपको सुसाइड करने का मन किया, आपको पंखे में लटकने का भी मन किया, आपको नस काटने का भी मन किया, आपको पॉइजन इनहेल करने का भी मन किया, आपको मर जाने का मन किया, आपको नुकसान करने का मन किया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद आपके मॉम डैड, आपके चाहने वाले, आपके भाई बहन का होगा क्या। तो ये होता है नेगेटिव एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड ये होता है कि जो आपको जगाए रखे आपके अंदर के इंसान को जगाए रखे, और आपको कहे कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर अ कलीग, वेदर यू आर अ बॉस, वेदर यू आर अ MD, वेदर यू आर अ आर्मी जनरल, यू आर अ किंग, यू आर अ प्रेजिडेंट, यू विल नॉट गिव अप योर एटीट्यूड Whosoever you are, and never give up, never give up, never give up. Thank you. तो भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन भी दबा के जाना।